मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में इस साल 24,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, 24,200 शिक्षकों के पद और मामा जी ने जुमला फेंकते हुए अपनी हैट्रिक पूरी कर ली है। तो दोस्तों, न्यूज जानने से पहले स्वागत है आपके अपने चैनल VAAIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पसंद आता है तो लाइक करें। और मुद्दा छा गया है सोशल प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, चारों तरफ इसी न्यूज की धूम मची हुई है और एक सवाल छोड़ दिया है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, साथ ही चयनित शिक्षकों के लिए जो कि 2 साल से अपनी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, काफी कुछ कंफ्यूजन इस पर बना रहा कि 24,200 पद आखिर है क्या, क्या ये नई नियुक्ति होगी, क्या ये चयनित 30,594 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो दोस्तों, सभी भ्रम को, सभी परेशानियों को और सभी कारणों को दरकिनार करते हुए आज MP तक की न्यूज ने जो इंटरव्यू लिया है हमारे शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार जी का, और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस 24,200 के संबंध में, इसका खुलासा करते हुए आइए दोस्तों, प्रस्तुत है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंट न्यूज। सभी सवालों के जवाब इसमें दे दिए जाएंगे कि क्या वास्तव में मामा जी ने जो जुमला फेंका है वो शतक पूरा करेगा या फिर हैट्रिक पर ही अटक जाएगा। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं, जानते हैं पूरी एक्सक्लूसिव न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में इस साल 24,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया है। लाखों की संख्या में बेरोजगार इन्हीं भर्तियों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सरकार के इस वादे के बाद हजारों की संख्या में जो चयनित शिक्षक मौजूद हैं उनके सामने सवाल खड़ा हो गया है कि जब उनकी संख्या 30,000 के करीब है तो फिर 24,000 नई भर्तियां क्यों। सवाल ये है कि क्या चयनित शिक्षकों में से कईयों की नियुक्ति अब लटक जाएगी। इन्हीं सवालों से अब चयनित शिक्षक परेशान हैं। बजट से हम सभी चयनित अभ्यर्थी अनेकानेक आशाएं लगाए बैठे हुए थे। आशानुकूल बजट रहा, अन्य विभागों की तुलना में शिक्षा का बजट सर्वाधिक रहा, इसकी हम खुशी मनाएं या हम चयनितों शिक्षकों की एक बार पुनः उपेक्षा की गई उसका दुख। हम समस्त चयनित शिक्षक स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं और कल से ही भ्रम का दौर लगातार जारी है और सोशल मीडिया पर अनेकानेक भ्रांतिपूर्ण सूचनाएं हम समस्त चयनित अभ्यर्थियों को प्राप्त हो रही हैं, जिससे हम सभी चयनित अभ्यर्थी भ्रम के दौर से गुजर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारा यह कहना रहेगा समस्त चयनित शिक्षकों की तरफ से कि जो 24,200 पद बतलाए हैं उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाए हम समस्त चयनित अभ्यर्थियों को तो अति कृपा होगी। वर्ग 1 के कितने पद, वर्ग 2 के कितने पद और ये 24,200 पद किस प्रकार से भरे जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से सरकारों पर दबाव रहता है। मध्य प्रदेश में कुल सरकारी स्कूलों की संख्या 67,084 है। इनमें पढ़ाने के लिए 3,66,438 शिक्षकों की पोस्ट सैंक्शन है। वर्तमान में 2,31,670 शिक्षक काम कर रहे हैं। इस तरह 1,34,768 शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल इन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पर पेंच कहां फंस रहा है। सितंबर 2018 में तत्कालीन शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। इससे पहले की परीक्षा के नतीजे आते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन गई और नतीजों पर तलवार लटक गई। इसके बाद चयनित शिक्षकों के संघर्ष और प्रदर्शन के बाद आखिरकार 2019 में परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, लेकिन फिर नियुक्ति पर पेंच फंस गया। इस बीच मध्य प्रदेश में सत्ता के फेरबदल और कोरोना त्रासदी की वजह से नियुक्तियों पर फिर पेंच फंस गया। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद जुलाई 2020 में नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी और चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन शुरू हुआ, लेकिन महज 3 दिन के बाद ही इसे रोक दिया गया और इसकी वजह बताई गई कोरोना की वजह से सार्वजनिक परिवहन पर रोक। चयनित शिक्षकों के मुद्दों पर MP तक ने एक बार फिर सवाल किया और सवाल करने के लिए हमारे रिपोर्टर पहुंचे स्कूली शिक्षा मंत्री के पास, तो मंत्री जी नियमों का हवाला देने लगे। शिक्षकों की भर्ती जो है वो इस साल की जाएगी। सवाल ये है कि 30,000 के करीब चयनित शिक्षक भी बीते 2 सालों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी जॉइनिंग को लेकर के,
तो ये जो 24,000 का आंकड़ा है इसमें कहीं चयनित शिक्षक भी एडजस्ट किए जाएंगे या फिर ये पूरी की पूरी नवीन भर्तियां रहेंगी? जो पहले जो चयनित हुए हैं परीक्षा में बैठे थे 30,000, उसमें से जो पात्र हो रहे हैं उनको इसमें समायोजित कर रहे हैं हम, और शेष लोगों की और परीक्षा लेकर के ऐसे करके 24,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। तो हम ये मान के चले कि चयनित शिक्षक जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए एक ये बड़ी खबर है, वो समाहित होंगे इसमें? उसमें समाहित। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार स्कूल शिक्षा विभाग के लिए भारी भरकम बजट रखा गया है। सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की बात कही गई है, लेकिन जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई के स्तर को कैसे सुधारा जाएगा? भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक। जी हां दोस्तों, तो परमार जी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बता दिया है कि 24,200 जो नए शिक्षकों के पद हैं उनमें ही 30,594 को समायोजित किया जाएगा और शेष जो बचेंगे उन पर नई नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों, दोनों तरफ से उन्होंने चिट भी मेरी और पट भी मेरी किया है। जहां एक तरफ चयनित शिक्षकों को सांत्वना दी है, वहीं पर नए शिक्षक जो कि तैयारी कर रहे हैं और आगे बनने वाले हैं उनके लिए भी खुशखबरी वाली न्यूज सुनाई है। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन छोड़ करके जाती है कि शिक्षक हैं 30,594, लेकिन उन्होंने पदों की घोषणा की है 24,200, तो इनमें वो कैसे समायोजित करेंगे ये तो इंदर सिंह परमार जी ही बता सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी ही बता सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।